करने की तरीका देखे हमारे शिव भाई का। ये देखिए हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, आपका स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। तो आज अभी मैं घर पे हूँ, तो घर से जा रहा हूँ मैं, जाग जाएंगे अभी फ़िलहाल। मैं जा रहा हूँ नीचे पीर बाबा के मंदिर में, वहाँ पे एक कलश है जो कि श्री गुरु घंटा करण देवता का है, तो वो ले जाएंगे मंदिर। सुमित मेरा वहाँ पर वेट कर रहा नीचे पे, तो मैं वहाँ पर सुमित भोंक रहा पीछे से, तो सुमित मेरा वेट कर रहा है। तो सुमित वहाँ है तो वहाँ जाता हूँ, आपको आप पीर बाबा के दर्शन भी कराऊंगा आज। तो फाइनली पहुँच चुका मैं यहाँ पे, यहाँ अंदर है वो, अंदर शायद सुमित है जी। ये देखिए यहाँ सुमित है, दिया दे रहा है। तो ये क्लास है जो हमें ऊपर ले जाना है गुरु घंटा करण देवता का। इस पर भरे हैं सारे के सारे सिक्के, दिखा दूँ आपको, भरे हैं सारे सिक्के जो कि बहुत भारी हो रहा है। और ये मजार एक छोटी सी सुमित, और इसको ले चलेंगे ऊपर, ऊपर वाले मंदिर में जहाँ की होम है घनियाल देवता का, जो कि कलश टाइप का है, तो उसे लेकर ऊपर आ रहे हैं। सुमित ने पीछे से पकड़ा है, कह रहा है कि बहुत भारी है। तो कम से कम सिक्के इस पे 5,000 तक सिक्के हो जाएंगे। धूप लग चुकी है, सुबह बारिश लगी, अभी मौसम बिल्कुल सही हो चुका है। तो सीधा मिलते हैं आपको सड़क पर जाएंगे, पहले थोड़ा मैं घर जाऊंगा, उसके बाद सीधा सड़क, उसके बाद फिर ऊपर गांव में, फिर सीधा मंदिर में मिलेंगे आपको। फाइनली घर से निकल चुके हैं हम, अपने साथ कलश को लेके बाइक में जाएंगे दोनों। गांव के लगभग सभी लोग चले गए हैं, तो थोड़ा लेट हो गया आज, कोई नहीं, 2-1 बजे से कथा शुरू होती है, तो पहुंच जाएंगे हम टाइम पे, कोई बात नहीं। अमृत जो है उनसे निकलता है, उन किरणों से, और अमृत जो है सारी पृथ्वी जो है उसका रसपान करती है। इसलिए कहा तो कथा भी जो है क्या एक अमृत है, और क्या सार विश्वास के स्वरूप है भगवान शंकर। और यहां पर देखिए राम कथा शशि किराना समाना, संत जपो रही जे पाना, संत जपो रही जे पाना, राम कथा शशि किराना समाना, संत। अब ये चंद्र के किरणा, चंद्रमा की जो किरणें होते हैं उनसे क्या बरसता है, अमृत। अमृत जो है उनसे निकलता है, उन किरणों से, और अमृत जो है सारी पृथ्वी जो है उसका प्रसवान करती है। इसलिए कहा तो कथा भी जो है क्या एक अमृत है, और क्या संत चकोर करही जेही पाना। अब इसका पान कौन करते हैं, संत महात्मा करते हैं। अब कहीं पर जो है बड़े बड़े जो सम्मेलन होते हैं, तो बड़े बड़े सम्मेलन में जो है वो संत वहां पहुंच जाते हैं, उनके लिए भी जो वरदान मिला हुआ है भगवान ने जो है। तब भगवान ने कहा था कि हे गंगा तू हमेशा जो है पवित्र रहेगी। पवित्र क्यों रहेगी, कि जब कभी जो है कुंभ होगा, जो 12 साल बाद कुंभ आता है ना, हर 12 साल में जो है कुंभ आता है, और कुंभ में जो है बड़े बड़े महात्मा लोग, संत लोग, बड़े बड़े जो है जो नागा साधु होते हैं वहां आ जाते हैं, और कितने दिन तक जो है अपना डेरा जो है वहां पर जमाए रहते हैं वो,
और जब वो पर्व चलता है, वो तिथियां चलती हैं, वो जो है शुभ बेलाएं होते हैं, तो उन बेलाओं में जो है वो स्नान करते हैं, तो गंगा जी में जो मूत्र दे दें, छोड़ दें, लेकिन वो शांत है, वो धैर्य धारण किए हुई है। तो सबसे पहले जो है हमारे दत्तात्रेय महाराज जी हुए थे, तो उन्होंने 24 गुरु बनाए, और 24 गुरु में जो है सबसे पहला गुरु उनका क्या था, पृथ्वी। पृथ्वी से उन्होंने एक संदेश दिया, धैर्य धारण, कभी भी जो है धैर्य को नहीं छोड़ना। बताइए, पृथ्वी का तत्व है, जल का तत्व है, वायु का तत्व है, अग्नि का तत्व है, और इस प्रकार से जो है ये पांच वायु का तत्व, ये पांच तत्व जो हमारे शरीर में है, तो ये पांच तत्व जो है से हमारा शरीर बना है, लेकिन वो बेकार बताएगा, अधम है। अब अधम क्यों बताए, क्योंकि कारण होगा कुछ, लेकिन यहाँ पर जो है अधम तब है जब हम अपने जीवन को ढंग से नहीं बनाएंगे, आध्यात्मिक नहीं बनाएंगे, तब है ये। तो यहाँ और ये अंत में मिलजुल कर काम करते हुए सभी गांव के लोग, और ये बर्तन बुर्तन धुल रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। गुरु घंटाकरण की देवता कृपा आप पर बनी रहेगी, आपका जीवन खुशल मंगल होगी। आप गुरु घंटाकरण से मैं दुआ करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।